So hi everyone, welcome to this channel. So I just want to share something that life में जब जब तुम आगे grow करने के लिए चाहोगे, जब जब तुम आगे बढ़ने के लिए चाहोगे, that people will be there always, you know, always try to put you down. They will never support you. Actually दुनिया ऐसे ही है. You have to accept it कि लोग ऐसे ही ये दुनिया काम करती है. And you cannot just ask somebody that why you are not supporting my friend, right? मतलब ऐसे भी मैंने देख लिया है कि your closest friend, they are also get jealous of you because you were growing and you were doing something. तो देखो लोगों का ना काम actual में ऐसा ही होता है. बहुत लोग जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, देन विल जस्ट ट्राई टू होल्ड यू बैक ड्यू टू एनी रीजन. कि लाइक अगर तुम पढ़ना चाहते हो या फिर तुम अपने काम में ध्यान लगाना चाहते हो, देन यू हैव टू सैक्रीफाइस समथिंग. ऐसे नहीं हो जाता सब कुछ कि सब कुछ तुम बैलेंस करके ले चलोगे. तो कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो होती है लाइफ में, हमें सैक्रीफाइसेस करनी पड़ती है. एंड विदाउट सैक्रीफाइस देयर इज नो सक्सेस. सो दैट इज व्हाई वी से नो पेन एंड नो गेन. तो वी शुड यू नो, बाकी इन सारी जो लोग होते हैं हमारे सर्कल्स में होते हैं, हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, वी कैनॉट चेंज देम. सो इट्स बेटर टू चेंज आवर सेल्व्स विदाउट, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देम. बिकॉज कौन कैसे बिहेव करेगा, कौन कैसे रिप्लाई करेगा, किसी का बात तुम्हारे तरफ से कैसे तुम्हें लगेगा, ये चीज सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल पीपल आर सेइंग बैड थिंग्स टू मी, हाउ वुड आई टेक इट, शुड आई टेक इट और शुड आई लीव इट, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि लोग तो कहेंगे, ये तो मतलब ये सृष्टि का नियम है, लोग तुम्हें कुछ ना कुछ कहते रहेंगे. एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वॉन्ट टू टेक इट और यू वॉन्ट टू लीव इट. और मतलब तुम इस चीज को लेके डू यू वॉन्ट टू ओवरथिंक ऑन इट और डू यू वॉन्ट टू लीव इट. सो इट्स अप टू यू हाउ यू टेक द चैलेंजेस टुवर्ड्स यू. इट्स लाइक इट्स ऑल द डिस्ट्रैक्शन, दे विल टेल यू कि वी वॉन्ट टू हर्ट यू, बट इट्स अप टू यू, यू वॉन्ट टू हर्ट बाय देम और नॉट. सो इट्स योर लाइफ डिसाइड्स, मेक चॉइसिस एंड जस्ट स्टॉप बींग सो टॉक्सिक. Like, just stop hanging around with this toxic people who don't deserve you to be in your life. And life mein bahut time aisa tumhe lagega ki धीरे धीरे जब टीनेजर्स से आप अडल्ट में आओगे, अडल्ट से जितने बड़े होते होते जाओगे, विल अंडरस्टैंड दैट मोर लेस सर्कल इज मोर क्वालिटेटिव. जितना हम कम दोस्तों से मिलते हैं या फिर बहुत कम सराउंडिंग्स रखते हैं, लिमिटेड सराउंडिंग्स रखते हैं, उतने हम मतलब क्वालिटी वाली चीज रख सकते हैं. यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड नो वन विल हेल्प यू, बट यू विल हैव वन फ्रेंड विल देयर बी एट योर वर्स्ट. सो ऑलवेज मेक, ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटेटिव थिंग्स रादर दैन चूजिंग सम एनी काइंड ऑफ फ्रेंड्स. एंड हुम वी कॉल फ्रेंड्स, दे आर एक्चुअली नॉट आवर फ्रेंड्स, इट्स जस्ट दे शो दैट वी आर फ्रेंड्स, but they are not. Okay, but because in the time, in the when you will be feel the problems, when you will go through some kind of difficult things, they will not be there. So जो लोग बस तुमसे तुम्हारे time मतलब अच्छे time में साथ में होते हैं या फिर अच्छे चीज़ों में होते हैं, they are actually not your friend. They are just for entertainment. They are just to make you feel good. Okay, so लेकिन end of the day आपको आपके खुद के साथ ही रहना है, आपको खुद के साथ ही वो चीज़ शेयर करनी है, आपको खुद के साथ ही ग्रो करना है. कोई तुम्हें नहीं समझेगा ये चीज़. तो इसीलिए इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड, इट्स बेटर टू ग्रो within to rather to show somebody. कि मतलब ना बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, they don't fight, they ignore. And that is what you want to develop. That is what you need to develop. Because we always been surrounded by good people. Always been surrounded by these fake friends. In college, in tuitions, in our societies. But actually they are not friends. So when we call a friend who will be there at any cost. जो कि बहुत कम मिलते हैं. सो स्टॉप यू नो, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन समवन फॉर सम शेयरिंग, डिपेंडिंग ऑन समवन फॉर डूइंग समथिंग. कि मैं अकेले नहीं जा सकती, मुझे दोस्त चाहिए. सो यू विल बी मोर डिपेंड ऑन समवन एंड दे विल ट्रीट यू बैड. बिकॉज जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट करते हो, दे विल थिंक कि ओके, ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, देन इसी के साथ ही मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हें वो परेशान करेंगे. सो जिसके साथ तुम दोस्ती भी करते हो, उसी के साथ तुम्हारा दुश्मनी भी होती है. बट यू नीड टू मेक दैट बैलेंस कि ओके, दैट इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. फ्रेंडशिप भी है, दुश्मनी भी है, बट ठीक है, दिस इज हाउ एवरीथिंग ग्रोज. बट सम पीपल एक्चुअली देयर, दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन. एंड मतलब ये दुनिया का ही नियम है. यहाँ पे हर राम जी को, कृष्ण जी को, सबको ये सहना पड़ा, लोगों की बात सुननी पड़ी, बट उन्होंने इस चीज़ को साइड में किया और अपने काम में ध्यान लगा. तो इट्स बेटर वट विल यू चूज. दिस इज लाइक 21st century, ऑल ओवर हियर इज डिस्ट्रैक्शन, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन. वट यू वॉन्ट टू बी एंड वट यू आर डूइंग, दैर इज अ ग्रेट डिफरेंस, दैर इज अ बिगर डिफरेंस. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड चूज योर पीस ऑफ माइंड. इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट टॉक्सिक फ्रेंड, choose your mental peace, choose your career, choose your health instead of all the negativities and instead of all the distractions. And choose your parents, of course, they are irreplaceable. So understand these things and focus on it.
फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू थिंक दैट इज मैटर्स नॉट एवरीबडी. वी ऑलवेज ट्राई टू प्लीज अदर्स. हम सबको हमेशा प्लीज करने में लगे रहते हैं सो दैट वी एंड अप गेटिंग हर्ट. हम इतने अच्छे हैं कि हम सबको खुश करते हैं लेकिन हम खुद के क्या है, खुद के क्या रहना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, वी डोंट केयर अबाउट दैट. सो स्टार्ट बिल्डिंग दैट एटीट्यूड, स्टार्ट बिल्डिंग दैट बाउंड्रीज एंड स्टार्ट बिल्डिंग दैट लिमिटेशंस. अदरवाइज लाइक पीपल एंड विल, जो दोस्त तुम्हारा आज तुम्हें दोस्त बोल रहा है कल वो तुम्हें आएगा और तुम्हारी पर्सनल चीजों के बारे में जानेगा और तुम्हें उसी चीज के लिए ब्लेम करेगा कि तूने ऐसा किया था, तू ऐसा है, तेरे पास कुछ नहीं है. सो अंडरस्टैंड कि दोस्त तक ही रहना सीमित रखो, उसको इतना भी पावर मत दो कि ओवर पावर मत दो किसी को भी, दैट दे विल कम टू योर लाइफ एंड दे विल टेल यू कि देख तू कैसा है, तू क्या है. सो वी ऑल अ फ्रेंड इज अ नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. हम चाहते हैं कि एक दोस्त जो आए वो हमें सपोर्ट करे, ना कि हमें दिखाए कि देख तू ऐसा है वैसा है. सो दैट्स कॉल्ड टॉक्सिक फ्रेंड्स. सो इट्स बेटर टू डिफरेंशिएट हु इज अ गुड फ्रेंड हु इज अ टॉक्सिक फ्रेंड. ओके एंड लाइक बहुत सारे लोगों से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे. तो एक आईपीएस ऑफिसर है नांगरे, विश्वास नांगरे आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने कहा था लाइक वेरी गुड फेमस कोट इज ओवर ऑन यूट्यूब. सो मैं दो लाइन कहती हूँ कि सूरज का तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, मेरी रोशन हद करने से मुझे तुम कब तक रोकोगे. चुन चुन कर खुद को खड़ा हुआ, अब फिर गिरने का खौफ नहीं, अंगारों की भट्टी में जब जब भी मुझको फेंकोगे, तप तप कर सोना पाऊंगा, मुझको तुम कब तक रोकोगे. तो बहुत सारी बहुत अच्छी लाइन्स है, मैं ये वीडियो में एंड में उसको टैग कर दूंगी. तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड ये बहुत पावरफुल है. तो ये ना चीज़ हमेशा याद रखो, तुम्हारी जर्नी में, तुम्हारी स्ट्रगल में, तुम्हारी जो तुम काम कर रहे हो आज में, जिसमें फोकस्ड हो, इसमें सिर्फ तुम्हारे साथ हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है. ये जर्नी जो है ये खुद तुम्हें डिसाइड करनी है. ये माइंड सेट, ये मेंटेलिटी, ये थिंकिंग, ये थॉट प्रोसेस, इट्स ऑल यू नीड टू डिसाइड that you want to grow in your life, you want to build a life, so you have to face these distractions. ये जिंदगी के साथ आती है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. You have to face it or you have to ignore it. So it's all up to you, how you want to take it. So yeah, this is all about from my side. And yeah, लोगों की बात पे इतना ध्यान मत दो, negativities तो आएंगी, लोग ऐसे treat करेंगे. So it's accept, it's better to accept कि यार ये बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे अच्छा you should accept. Thank you everyone for watching this video and I'll come up with next video.